हेलो, आज मैं आपको दूध में पानी की मिलावट का कैसे पता करते हैं इस बारे में बताऊंगा। आजकल दूध का लेन देन या बिक्री होती है और अक्सर लोग उसमें पानी मिला दिया करते हैं, तो उसमें पानी की मिलावट कैसे जांच करें? ये इलेक्ट्रोमीटर से जांच हो तो वो तो आपके पास में इसका यंत्र है नहीं, तो यंत्र नहीं है तो आप बिना पैसे में ये यंत्र बना सकते हैं कैसे? ये एक लकड़ी है, हल्की सी लकड़ी, कोई भी हल्की लकड़ी है वो लेंगे और उसके ऊपर ये कागज़ फुट से कागज़ के ऊपर पैमाना बना करके फेविकोल से चिपका देंगे ऊपरी हिस्से में, और नीचे एक बुलेट लगा देंगे। बुलेट क्यों लगा देंगे? इसको पानी में डुबोएंगे, तो पानी में इस प्रकार से डुबोएंगे तो ये सीधा रहे, इसलिए इसके अंदर बुलेट लगा देंगे और पूरा नीचे तक डूब जाए। अब कितनी डुबोनी है कि नीचे से कम लगभग एक आंगुल ये ऊपर रहे, यानी पूरी नहीं डूबे, और ऊपर भी पानी के ऊपर एक आंगुल तैरती रहे, ऐसे पानी के ऊपर ही पानी यहाँ तक है तो एक आंगुल ऊपर रहे, एक आंगुल पानी के ऊपर तैरती रहे, और यहाँ से इसको तोड़ दें और नीचे बुलेट लगा दें और ये पैमाना लगा दें और फिर पानी में डुबो करके एक बार ये देख लें और इसको यंत्र को तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद में आप प्रयोग करके देखेंगे कि यंत्र आपका ये बन करके तैयार हो गया बिना कोई पैसे में। कोई एक पैसा आपके लगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप उपलब्ध हैं और एक पैसा लगा नहीं, और बिल्कुल ये सही रिजल्ट देगा। आप देखते हैं कि पानी में इसको डुबोते हैं, और पानी में डुबोते हैं तो पानी में कितनी रीडिंग दे रहा है? अब ये पानी में रीडिंग दे रहा है 13.5 रीडिंग दे रहा है, और 13.5 जो रीडिंग दे रहा है फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं और निकाल करके दूध में डुबोते हैं। दूध में देखते हैं कि कितनी रीडिंग देता है, तो दूध में रीडिंग देता है 13 देता है, 13.1 रीडिंग दे रहा है, तो 13.1 दूध में रीडिंग दे रहा है। अब दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, अनुपात वो दूध का घनत्व हो जाएगा, अनुपात दोनों रीडिंगों का अनुपात, पानी में रीडिंग आई उसका अनुपात, यानी संख्या ऊपर है 13.5 सेंटीमीटर और यह आई 13.1 सेंटीमीटर। इनका अनुपात निकालते हैं तो यह अनुपात प्राप्त होता है, एक भाग देते हैं तो 1.03, और फिर ये आ गया 0, फिर और 0 के बाद में ये 5 और कुछ और आ जाएगा आगे, तो ये संख्या प्राप्त होगी 1.0305, यानी 1.03। ये 1.03, यहाँ 3 आना आवश्यक है, अगर 3 से कम आता है, जैसे मान 2.8 आ गया, 2.9 आ गया, 2.5 आ गया, 2.6 आ गया, 2.4 कुछ भी आ गया, तो वो जितना कम आता है उतनी ही अधिक दूध में पानी की मिलावट है। अगर ये इससे ऊपर चला जाता है, जैसे भैंस के दूध में थोड़ा हो तो ऊपर चला जाएगा, गाय के में यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो भैंस के दूध में थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 31-32 तक भी पहुँच जाता है, तो वो दूध की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, तो इससे पता लगता है कि दूध की कितनी क्वालिटी है। ये इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि दूध में पानी की मिलावट है या नहीं। एक दूसरी विधि भी है जिसके द्वारा भी दूध में पानी की मिलावट ज्ञात करते हैं, वो भी देखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये कोई भी छोटी या बड़ी बर्तन आपके पास में हो, बोतल हो, कोई भी बोतल हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर से मुंह सकड़ा होता है तो उसमें बिल्कुल ऊपर तक भर दोगे और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आप इसको बोतल, छोटी बोतल है तो इसको भर देते हैं, बड़ी में भरो तो बड़ी में भर लो। आप इसमें बोतल में भर देते हैं पानी, पहले पूरा भर दिया पानी का, पूरा पानी का भर देने के बाद में इसका वजन करते हैं, जिसके वजह इसका वजन कितना आता है, इसका वजन प्राप्त हुआ ये 131 ग्राम प्राप्त हुआ। अब 131 ग्राम पानी का वजन है इस बोतल में, फिर इस बोतल में दूध डाल करके फिर उसका वजन प्राप्त करेंगे। अब पानी को इसमें निकाल देते हैं और दूध डालते हैं, तो दूध डालते हैं देखते हैं कि कितना अंतर आएगा। ये दूध है और दूध इसमें डालते हैं, दूध डाल लेते हैं, पूरी भर लेते हैं, जिस प्रकार से पानी की भरी है उतनी ही दूध की भर लेते हैं। अब ये दूध की भर लेने के बाद में 135 ग्राम आ गया, ये देखो 135 ग्राम आ गया, पानी में था 131 ग्राम
और दूध में उतना ही भरने के बाद में 135 ग्राम। तो इनका अनुपात निकालते हैं और फिर से घनत्व ज्ञात करते हैं। तो इनका अनुपात कितना आता है, देखो दूध में दूध का वजन कितना हो गया 135 ग्राम और पानी का वजन 131 ग्राम। इसमें इसका भाग देते हैं और भाग देने के एक बार पूरा चला गया, फिर जीरो आ गया, ये पॉइंट आ गया और जीरो आ गया, फिर तीन आ गया और तीन के बाद में फिर जीरो आ गया और फिर पांच बार और चला गया आगे भागे। तो इस प्रकार से 1.030 यानी 1.030 यानी 1.0305। तो इतनी रीडिंग आती है, ऊपर वाले में भी उतनी रीडिंग आई थी, सेम रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल शुद्धता से दोनों में मापन सही सही हुआ है। और अगर 30 से ये संख्या 30 से कम होती है, 28 होती है, 29 होती है या और कम चली जाती है, जितनी कम जाती है उतनी ही पानी की इसमें मिलावट की गई है दूध में, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप में ठीक से वज़न तोलने की मशीन आपके पास है तो वज़न तोल करके उस विधि से ज्ञात कर सकते हो। अगर वज़न तोलने की मशीन आपके पास नहीं है तो वो कोई भी लकड़ी लेंगे और उससे एक्स्ट्रा हाइड्रोमीटर बना करके और उसकी सहायता से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। तो दूध में पानी की कितनी मिलावट है ये बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं इससे।